के इस चुनावी मीटिंग के सदर मोहतरम समझ भाई मंच पे तस्वीर फर्मा डॉक्टर अफसर साहब रिजवान मेंबर साहब इस्माइल पहलवान साहब फारूक कुरैशी साहब अनिल इज़हर साहब इस्माइल पहलवान 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 मंच पे तस्रीफ वर्मा वक्त बहुत कम है मैं माजरत चाहता हूँ सब लोग से अगर नाम जो काफी वक्त लग जाएगा सभी इस इलाके के बुजुर्ग और नौजवान जिम्मेदारान इस मीटिंग के अंदर तस्रीफ वर्मा सभी हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग हजरात और जहां तक मेरी आवाज जा रही है इसकी मेरी मार बैठी वार्ड नंबर 6 का जिमनी चुनाव 23 जून को होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के नामजद उम्मीदवार परमिदा फारूक कुरैशी साहिबा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है फारूक कुरैशी साहब के एरिया एक नंबर बटन है आप लोग को पंजा निशान पर वोट देकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करना आज सुबह 12 बजे से सभी हम लोग जिम्मेदारान अनवर शाहबान नगर से एक एक गली एक एक घर में वोट की अपील करने के लिए हम लोग हर घर गए हम लोग और 57 तक हम लोग आज शाम 6 बजे तक पहुंचे और मैं सभी हमारी मां बहनों के चेहरे के तासुरात देख रहा था समझ रहा था हमारे बुजुर्गों हमारे नौजवान साथियों से मैं बात कर रहा हूं तो सब लोगों की एक बात हमको समझ में आई कि यहां पर कारपोरेटर तनवीर साहब को अगर छोड़ दें तो जनता दल के कोई भी कारपोरेटर हम लोगों को बोले नजर ही नहीं आए ना हमारा गड़ा का मसला हल किया ना पानी का मसला हल किया ना इलेक्ट्रिक पोल का मसला हल किया ना पाइपलाइन का मसला हल किया गया ना कारपोरेटर को लोग जानते हैं कि ये कारपोरेटर है सब लोगों ने शिकायत रखी लेकिन आवाम ने जो हम लोगों को बताया हम लोग जो समझे आवाम ने बिल्कुल इस जमीनी चुनाव के अंदर ये मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फहमीदा मोहम्मद फारूक कुरैशी को वोट देकर कामयाब कर रहा मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं यह जमीनी चुनाव है बहुत छोटा चुनाव है लेकिन ये इसको पूरे शहर लेवल का चुनाव बनाकर और इस वार्ड के बाहर के लोगों को बुलाकर इस तरीके का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि वापस जनता दल ही कामयाब होगी इस तरीके की माहौल बनाकर इस वार्ड के लोगों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है एक हवा खड़ा हो जाए कि इतना इतने लोग थे ये लोग थे वो लोग थे लेकिन सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा और इलेक्शन बुनियादी मसाइल के ऊपर होना चाहिए हमारे वार्ड के अंदर क्या तकलीफ है उसके ऊपर होना चाहिए हमारी मां बहनों को किस चीज की तकलीफ है इसके ऊपर होना चाहिए लेकिन इलेक्शन ईदगाह के ऊपर लड़ा है इलेक्शन दावाड़ी के ऊपर लड़ा जा रहा है जो कॉरपोरेशन में नहीं है और जानबूझकर इस इलाके के अंदर इसके लिए अशरफी ईदगाह का मसला उठाया जा रहा कि हमारे सब सुन्नी भाई का जहन खराब हो जाए कांग्रेस पार्टी के लिए
और ये मजहबी मसला उठाकर इस वार्ड के लोगों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। कल उनका जलसा हुआ, उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ये बात कही कि इमाम साहब ने वहां पर ऐसी तकरीर की। उनका जलसा खत्म हुआ और उसके आधे घंटे के बाद अशरफी ईदगाह ट्रस्टियान ने और वहां जो इमाम साहब ने नमाज अदा की, बाकायदा उन्होंने एक वजात लेटर हेड के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चलाई और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यह बात कही कि ना उस ईदगाह से इमाम साहब ने कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगाया, ना किसी लीडर के ऊपर इल्जाम लगाया, ना किसी कार्पोरेटर के ऊपर इल्जाम लगाया, बल्कि उन्होंने सिर्फ ठेकेदार के ऊपर इल्जाम लगाया है। और उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कही कि हमारा बिना वजह इस इलेक्शन के अंदर नाम इस्तेमाल ना किया जाए। कितना झूठ बोला जा रहा है इस वार्ड के अंदर। आज मेरे उस इमाम साहब के मकान के ऊपर मैं गया, इसी वार्ड के अंदर रहते, उन्होंने कहा कि वजातनामा आपने पढ़ा, अगर और कुछ लिख कर देने की बात आएगी तो हम लोग जरूर देंगे, क्योंकि हमने ऐसा बोला ही नहीं और वो लोग हमारा इस्तेमाल करके वो अपना इलेक्शन सीधा करना चाहते। बात साफ हो गई। झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये शहर की आवाम को, इस वार्ड की आवाम को बात समझना चाहिए कि जो लोगों ने झूठ बोला उनका गिरेबान पकड़कर पूछो कि आपने क्यों झूठ बोला, क्यों ईदगाह को इस इलेक्शन के अंदर लाया। आपको बहुत हमदर्दी थी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी, बहुत हमदर्दी थी। नहीं अशरफी ईदगाह का आप वार्ड कंपाउंड बनाते, कम से कम मिल्लत का तो वार्ड कंपाउंड बना देते, कम से कम जहां पर आप इमामत करते हो वहां का वार्ड कंपाउंड आप अपने एमएलए रहते बना देते। आप इमाम अहमद रजा का ईदगाह का वार्ड कंपाउंड बना देते, आप खलील हाई स्कूल का ईदगाह का वार्ड कंपाउंड बना देते। आपके तीन मेयर इस शहर में देखे, तीन मेयर, आप छूट नहीं सकते, शहर के आवाम को धोखा नहीं दे सकते। आपके तीन मेयर हुए, आपने कौन सी ईदगाह के ऊपर एक ईद रखी आप बता दो। आपने कुछ नहीं किया, शहर को सिर्फ धोखा दिया। इस्लाही सियासत के नाम पर आपने शहर को ठगने का काम किया और फिर एक मरतबा असेंबली इलेक्शन को सामने रखकर आप मसलक की भावनाओं से खेलकर इस जमीनी चुनाव को अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हो। अल्लाह का करम है, जहां पर अगर महाजे मिलत ईदगाह का नाम आएगा, अगर उसके वार्ड कंपाउंड का, तो शेख आसिफ का और कांग्रेस का नाम आएगा। ये अल्लाह का करम। जहां पर इमाम अहमद रजा का ईदगाह का वार्ड कंपाउंड की बात आएगी, तो वहां पर शेख आसिफ, शेख रशीद और कांग्रेस पार्टी का नाम आएगा। खलील हाई स्कूल की ईदगाह का वार्ड कंपाउंड भी हमने ही बनाया। तजवील कुरान मदरसे का वार्ड कंपाउंड का काम जारी है, 30 लाख रुपया गवर्नमेंट से लाकर वो बनाया जा रहा है और हमने जनरल फंड इस वही दिया इनको। अशरफी ईदगाह को ठेकेदार नालायक निकला, काम नहीं कर रहा। लेकिन आज इस बात का हम इस इलेक्शन के अंदर वादा करते हैं कि जाने जो कॉर्पोरेशन का फंड जनरल काम से अगर ठेकेदार नहीं काम कर रहा है, उस काम को रद्द किया जाए और हम गवर्नमेंट से मैं बनाकर दूंगा इंशाल्लाह। इस बात का मैं वादा करता हूं। काम की बात करो, विकास की बात करो कि तुमने क्या किया और हमने क्या किया, इसके ऊपर इलेक्शन लड़ो। तुमने बोल दिया बड़े खुशी खुशी चंकापुर का पानी गया, चंकापुर का पानी गया, ताज्जुब होता है कि जो आप दावाड़ी को पानी देने की बात कर रहे हो, मैंने कल भी ये बात कही और मैं इस शहर की मां बहनों से बोलना चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर दुष्काल था, पानी नहीं था,
कहीं 15 दिन जब करके पानी मिल रहा था पीने के लिए, कहीं 20 दिन के बाद पानी आया और अभी तक आ रहा है। हमारा पड़ोस शहर बनमाल के अंदर यहां पर बाकायदा रिलीज गई पानी की, मस्जिद में वजू के लिए पानी नहीं था। यह अल्लाह का करम है कि अगर गिरना डैम का पानी शेख रशीद साहब मंजूर नहीं कराते और सब्बीर शेख अगर स्कीम की शुरुआत नहीं कराते तो ये शहर भी आज 15 दिन बाद पानी पीता था। ये भी कांग्रेस की देन है। चंकापुर डैम का पानी 30 MCFD हमारा आज से नहीं, एक हमारा रिजर्व कोटा है और उसके मुताबिक आज तक हमको मिल रहा है। और तलवाड़ा डैम के अंदर जब चंकापुर का पानी जमीन के रास्ते से जब वो तलवाड़ा डैम में आता है और उसके बाद हमारे शहर में पाइपलाइन से आता है, तलवाड़ा डैम का बढ़ाई गई वहां पर 100 एकड़ जमीन का तलवाड़ा डैम को बढ़ाया गया और वो इसके लिए बढ़ाया गया क्षेत्रीय महामंडल की जमीन लेकर कि मालेगांव शहर को भी पानी मिले और मालेगांव शहर का 300 MCFD पानी को कोई हाथ नहीं लगाते हुए, बाकी पानी अगर दवाड़ी में जाता है तो उसके अंदर हमारा कोई इतराज नहीं, लेकिन मालेगांव का एक बूंद भी पानी हम लोग कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसी कुर्सी को दस जब लात मारेंगे लेकिन ऐसा एक बूंद पानी हम दिल्ली की बात नहीं करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत आप लोगों को पता है या नहीं पता है? इसकी शुरुआत इब्राहिम सेठ को मैं दोष नहीं देता, इब्राहिम सेठ किसके मेयर थे, किस पार्टी के थे, किस लीडर की क्यादत में चल रहे थे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताऊंगा कि सबसे पहला ठहराओ इब्राहिम सेठ और ये राष्ट्रवादी की इक्तदार के अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की क्यादत के अंदर जो कॉरपोरेशन में शिवसेना का, भाजपा का और राष्ट्रवादी का इक्तदार था उस वक्त, तो पहला ठहराव दवाड़ी को पानी देने का इन्होंने किया था, ये साबित हम लोग करेंगे। क्या बात है, आज की मेरे पास कॉपी है, इन्होंने मंजूरी चली गई, इन्होंने ठहराव कर दिया नया पुणे का पाइपलाइन के विषय के अंदर उसको बढ़ा दिया तसेज करके और गवर्नमेंट से मंजूरी आई। उसके बाद एक ठहराव की और जरूरत आई, जब गवर्नमेंट ने इनके ठहराव पे मंजूरी दी तो हमारी जिम्मेदारी थी उसको आगे बढ़ाना और हमने बढ़ाया, लेकिन हमने भी ये लिखा उसमें कि मालेगांव का एक बूंद भी पानी हम नहीं देंगे, उसके अलावा अगर एडिशनल पानी गवर्नमेंट देती है तो वो लेके जाए, हमें कुछ बोलना नहीं है। बोलने का मतलब ये विकास के ऊपर नहीं वोट मांगी जा रही, तामीर के लिए नहीं मांगी जा रही, वार्ड के अंदर क्या हो रहा है इसके ऊपर नहीं बात की जा रही, बल्कि अलग अलग बांट कर इस वार्ड के आवाम को अलग अलग खाने में बांट कर ये बात और लोगों को गुमराह करके वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों मैं आज अनवर शाहबान नगर के लोगों से, नया इस्लामपुरे के लोगों से, इस वार्ड नंबर 6 के लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि आज जो आपको मसाइल है, आपको जो तकलीफ है, मेरी मां बहनों को जो तकलीफ है, हमने ऐसा उम्मीदवार दिया फारूक कुरैशी के अय्यब, काम तो फारूक कुरैशी करेगी कि वो शख्स इलेक्शन एक पहली मरतबा हारा फिर वार्ड में रहा, दूसरी मरतबा जीता फिर वार्ड में रहा, तीसरी मरतबा हारा फिर वार्ड में रहा और अब चौथी मरतबा कांग्रेस ने टिकट दी और इंशाल्लाह अगर फारूक कुरैशी काम नहीं करेगा तो हम ये सब बैठने हुए जो आज से वोट मांगने के लिए आए हैं, आज डॉक्टर अरशद साहब, एकता सेठ, आरिफ सेठ चमड़े वाला साहब, ये सब लोग, माजिद सेठ, हम लोग सब लोग अगर आपके सामने वोट मांगने आए हैं तो उसकी वजह यह है कि हम लोग सिर्फ उसूल के ऊपर मांग रहे हैं और जो लोगों ने किसी दूसरे शख्स को टिकट दिया वो उसूल तोड़ा है, निहाल अहमद साहब की उसने इज्जत ली है, ये आप जाकर माजी के अंदर देख लो, उसके बाद उनका फैसला करना। अगर फारूक कुरैशी ने यहाँ काम नहीं किया तो हम इसका गिरीबान पकड़कर हम जवाबदार रहेंगे। इसके लिए आप लोगों से अपील करना है कि आप लोग 23 तारीख को कांग्रेस के उम्मीदवार फहमीदा फारूक कुरैशी को 15 हिसार पर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब